नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, दो अपडेट जानेंगे, और दो अपडेट ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सुनकर चौंक जाइएगा, क्योंकि हमको बताने में थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है, लेकिन आपको भी सुनने में लगेगा, लेकिन ये 100% रियलिटी है। सही बात है कि अभी तक जितना भी सर्वे में पब्लिक को परेशानी हुआ, फलाना कागज चाहिए, ठिकाना कागज चाहिए, ये कागज चाहिए, वो कागज चाहिए, ये सब चीज आप लोग अब भूल जाइए। ये सबका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकल गया, प्रॉब्लम खत्म। अब आपको क्या करना है, इस दो अपडेट के माध्यम से मैं बताऊंगा कि अब आपको कौन से कागज देना है, और देना है कि नहीं देना है, जमीन सर्वे होगा या नहीं होगा, ये फाइनली इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो अगर हमारे बात को अगर सुनना चाहते हैं पूरा क्लियर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और स्किप एक सेकंड भी मत कीजिएगा, क्योंकि बात देखिए हर कड़ी का कड़ी से जुड़ाव रहता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने होंगे तो हमारे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम आपसे बात करते हैं उस दो अपडेट के बारे में। सबसे बड़ा अपडेट आपका यह है कि चार कागजात आदेश में आया है, दिलीप कुमार जायसवाल जी ने बोले हैं कि चार कागजात। अब चार कागजात का नाम सुन लीजिए। सबसे फर्स्ट में आपका होगा, ये चारों कागजात आपको देना नहीं है, इसमें से कौन देना है इसको जान लीजिए। तो फर्स्ट नंबर में जान लीजिए कि आपका है खतियान, ठीक है। उसके बाद हो गया जमीन का रसीद लगान, ठीक है, रसीद लगान, ठीक है। तीन नंबर में बात करते हैं सेल डीड, यानी कि दस्तावेज, दस्तावेज या केवाला भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में बोले तो सेल डीड बोल सकते हैं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। अब बात करते हैं चार नंबर का। चार नंबर में हो गया इसे बास्केट पर्चा, इसको ये किसके पास होगा और ये किसकी, किसका किसका, अब क्या देना है। अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। यहां पर कट मैं क्यों लगाया, क्योंकि जिस इंसान के पास, जिस पब्लिक के पास, जिस रैयत के पास, जिसके पास जमीन है और सर्वे कराना है, तो आपको खतियान है तो खतियान दे दीजिए, बाकी कुछ मत दीजिए, ठीक है। उसके बाद खतियान नहीं है तो इसको भी खत्म कीजिए, लगान रसीद है तो ये जमा कर दीजिए, सर्वे हो जाएगा, इसको भी छोड़िए, ये भी नहीं है, दस्तावेज है, सेल डीड खरीदे हैं वो वाला होता होगा, ये जमा कर दीजिए, ये भी नहीं है। और जमीन आपके नाम पर अगर मान लीजिए कि अगर सरकार किसी को दी है, सरकार के द्वारा दिया गया है, तो उसका पर्चा होगा तो वो दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। अब कहिएगा कि सब दे दीजिए या नहीं है तो मत दीजिए, तो ऐसे कैसे होगा, आप लोग अभी कंफ्यूज में जा रहे हैं। तो अब आपको ये तो फर्स्ट अपडेट, फर्स्ट में आपका था ये कि फर्स्ट में ये चार दस्तावेज में से आपको कोई दस्तावेज एक आपको दिखा देना है, जमा कर देना है घोषणा पत्र के साथ, ये चारों में से कोई आपके पास है दे दीजिए, बाकी के इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड में कागजात नहीं है, नहीं मिल रहे हैं, इसी के वजह से सरकार अपना सोल्यूशन निकाली है कि पब्लिक तो कागज लाएगी कहां से, पब्लिक कागज ढूंढने के लिए फिर सरकार पर हावी होगी, गवर्नमेंट पर हावी होगी, या गवर्नमेंट के पास है नहीं तो देगा नहीं, तो इसीलिए उन्होंने निर्णय निकाला कि ये चार कागजात में से जिसके पास कोई कागजात है वो दे देगा, उसका सर्वे उसके नाम पर हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर, सेकंड अपडेट क्या है कि इसमें से अगर कोई आपके पास नहीं है तो उसका भी टेंशन नहीं है, हमारे पास कोई कागजात नहीं है, आपके पास भी कोई कागजात नहीं है, लेकिन वर्षों से आपका खानदानी है, पैतृक है, पुश्तैनी जमीन जो है, और आप लोग उसको जोत बो करके आबाद करके रखे हुए, दखल कब्जा में है, आप उस पर घर बना लिए हैं या किसी पर खेती कर रहे हैं, इससे भी कोई लेना देना आपका नहीं है, वो जमीन आप ही का होगा, कैसे होगा। अब सुन लीजिए कि मान लीजिए कि ये वाला नहीं है,
इस चारों में से कोई नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, नहीं देना है। सरकार उसके लिए बोली है कि जब इन लोगों का सर्वे जब हो जाएगा तब जाकर के उनका होगा, जिनका पेपर अभी उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल कोई पेपर ही नहीं है, उनका भी सर्वे कराया जाएगा, टीम भेजा जाएगा और नक्शे से मिलान करके वहां पर प्रूफ किया जाएगा कि चौहद्दी के बगल में ये फलाना का जमीन है, ये कितने सालों से इस पर रह रहे हैं, इनका दखल कब्जा कितना है। इसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा कि सर्वे करा दिया जाएगा। इससे आपको कोई अब घबराना नहीं है, अब कोई पेपर भी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, शांति से रहिए, आपका भी सर्वे हो जाएगा। लेकिन जिनके पास ये है वो आपको चारों में से कोई एक दे दीजिए, अपना सर्वे करा लीजिए। अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर ईमानदारी से अगर वीडियो में सच्चाई है, वीडियो आप देख कर समझ चुके हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं चैनल के माध्यम से, अपडेट लेकर के आप लोगों को जागृत करते हैं, जागरूक करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए आप लोग का फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक शेयर कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, आप अपने कहीं भी कीजिए लेकिन एक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि अपडेट आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।